दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम द वॉर्म। यह आपके महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस में है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बोर्ड के इंग्लिश के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं। इनफैक्ट मैंने अब तक तो पूरे चैप्टर्स को कवर कर ही लिए हैं। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप हमारे इस चैनल को यानी कि डिजिटल कक्षा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाई लाइन एनालाइज करते हैं। टर्न टर्न दाई हैस्टी फूट असाइड। हैस्टी मतलब होता है जल्द में, केयरलेसली किया हुआ, यानी कि जल्दीबाजी में आप कुछ काम नहीं कर देते हो, उसे कहते हैं हैस्टी। तो यहाँ पर कहा गया है। और हाँ, एक और वर्ड मैं बता दूँ आपको, दाई। दाई मतलब होता है यू, यानी कि तुम। तो यहाँ पर कोई एक बंदा है जो कि चल रहा है, तो उसे जो पोएट है वो कह रहा है कि तुम अपने इस फुट को यानी कि अपने पाँव को साइड करो, यानी कि जो इस पाँव को तुम जल्दी जल्दी कदम रख रहे हो ना ज़मीन पर, इसे तुम जल्दी से साइड करो। नॉर क्रश डैट हेल्पलेस वॉर्म, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तब तुम उस हेल्पलेस वॉर्म को यानी कि ये जो कीड़ा है ना वॉर्म, इसे तुम दाब दोगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हम लोग केयरलेसली चलते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे पाँव के नीचे आ जाते हैं और उन्हें अपने जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। तो इसलिए हमें जब भी चलना चाहिए देखकर चलना चाहिए। द फ्रेम दाई स्कॉर्नफुल लुक्स डेराइव। स्कॉर्नफुल मतलब हुआ पूरा हेट से भरा हुआ, और ये जो डेराइव है इसका मतलब हुआ एक्सप्रेस हेट्रेड। आप कह सकते हो कि इन दोनों वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि द फ्रेम द स्कॉर्नफुल लुक्स डेराइड, कि जो तुम इस वॉर्म को यानी कि इस कीड़े को हेट्रेड से देखते हो ना, यानी कि कई बार हम गुस्से से कीड़े मकोड़ों के देखते हैं ना, तो यहीं पर इसलिए कह रहे हैं पोएट कि हम जो इस कीड़े मकोड़े को हेट्रेड से देखते हैं, रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म, ये जो कीड़ा मकोड़ा है ना, इसे भी तो गॉड ने बनाया है। जी हाँ, इसे भी तो अल्लाह ने बनाया है। द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल डैट मूव। सभी का एक ही लॉर्ड है, सभी का एक ही अल्लाह है, और उन्होंने ही सभी को बनाया है जो जो मूव करता है। मूव करता है मीन्स लिविंग थिंग्स। फ्रॉम हुम दाई बींग फ्लोड। तुम्हारा लाइफ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना, यानी कि तुम जो इस दुनिया में रहते हो ना, वो गॉड के वजह से है, और ये जो वॉर्म रहता है वो भी गॉड ही के वजह से है। अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव ऑन डैट पुअर वॉर्म बिस्टोड। और गॉड ने बाउंडलेस लव यानी कि गॉड ने अपना प्यार इस गरीब से वॉर्म को, पुअर मतलब आप कह सकते हो लाचार से वॉर्म को दिया है, यानी कि गॉड ने उतना प्यार इसे भी दिया है जितना प्यार गॉड ने ह्यूमन बींग्स को दिया है। द सन द मून द स्टार्स ही मेड, यानी कि गॉड ने सूरज बनाया, चांद बनाया और सितारे बनाए, टू ऑल हिज क्रिएचर्स फ्री। और ये जो सभी चीज़ें हैं ना, ये सभी सभी के लिए बनाया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सन सिर्फ हम लोगों के लिए है, बाकी कीड़े मकौड़ों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। एंड स्प्रेड्स ओवर अर्थ द ग्रासी ब्लेड, और इस पूरे धरती के ऊपर गॉड ने ग्रासी ब्लेड फैलाया, यानी कि वही ग्रीनिश आप कह सकते हो कि पेड़ पौधे गॉड ने उगाया। फॉर वॉर्म्स एज वेल एज दी, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सन मून स्टार और ये जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये हम लोगों के लिए तो है, लेकिन जितना ये हम लोगों का है उतना ये इस वॉर्म का भी है, तो हमें इसे कुचलना नहीं चाहिए। लेट देम इन्जॉय देयर लिटिल डे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो लिटिल है ना, ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये जो वॉर्म है ना, ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, तो इनका थोड़ा सा दिन है, इन्हें इन्जॉय करने दो। देयर लोली ब्लीस रिसीव्ड, ये जो लोली ब्लीस्ट है इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, हम्बल सिंपल, यानी कि बहुत ही काइंड और बहुत ही मतलब नॉर्मल सा। तो यहाँ कहा गया है कि उनका जो लाइफ है वो बहुत ही सिंपल सा और नॉर्मल सा है, तो उन्हें उनका लाइफ जीने दो। ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दो कांस्ट नॉट गिव। तो तुम्हें यानी कि हमें कहा गया है कि हमें ध्यान से चलना चाहिए, हमें इनके लाइफ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ढीले में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने इन्हें नहीं बनाया, इन्हें भी गॉड ने बनाया है। तो दोस्तों, यहीं पर ये पोयम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस पोयम को बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन समझा दिया। तो मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यदि आप मेरा हेल्प करना चाहते हो किसी प्रकार से, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।